हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें अच्छी ग्रोथ के लिए और तंदुरुस्त रहने के लिए बैलेंस डाइट का लेना बहुत ज़रूरी है, और यही बैलेंस डाइट हमारे शरीर की ग्रोथ भी करती है और हमें रोगों से बचा के भी रखती है। अब ये सवाल होता है कि बैलेंस्ड डाइट किसके बोलते हैं, कि संतुलित आहार किसे बोलते हैं। वह भोजन जिसमें छः चीज़ें मुख्य तौर पर होती हैं उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। वो छः चीज़ें हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। इन छह चीज़ों को मिलाकर बैलेंस डाइट बनती है। इन छह मुख्य पोषक तत्वों में आज हम बात करेंगे विटामिन्स की, जिसको हिंदी में विटामिन्स कहते हैं। यह विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फैट सॉल्युबल, जिसमें आता है विटामिन ए, डी, ई और के, और दूसरा है वाटर सोलबल विटामिन्स, उसमें आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। आज हम बात करेंगे सबसे पहले विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए को मेडिकल भाषा में रेटिनोल बोलते हैं और यह एक फैट सोलबल विटामिन है। विटामिन ए हमारे शरीर के कौन से महत्वपूर्ण कार्यों को करता है, तो उनमें सबसे पहले आता है हमारे देखने की शक्ति को बनाए रखना। विटामिन ए हमारी आँखों की रोशनी को बना के रखता है, क्योंकि विटामिन ए का जो दूसरा नाम रेटिनोल है, वो हमारे आँख के अंदर जो दो सेल होते हैं रॉड्स एंड कोन्स, उनके कार्य को भली भांति यह देखभाल करता है, और इसकी कमी से जो हमारे देखने की क्षमता है वह कम हो जाती है। ख़ास तौर पर रात के समय मरीज को देखने में परेशानी आती है, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, क्योंकि अंधेरा होते ही उसके जो आँख के अंदर रॉड्स सेल्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण उसको रात को या जब कभी भी रोशनी कम हो उसमें दिखाई देना कम हो जाता है। सामान्य तौर पर हमारी जो आँखें हैं इसमें एक चमक होती है, और ये चमक विटामिन ए बनाए रखता है, और अगर किसी कारण से विटामिन ए की कमी आ जाए तो आंखों के अंदर ड्राइनेस आ जाती है, जिसको कि हम मेडिकल भाषा में ज़ेरोप्थैल्मिया कहते हैं, और इसके अंदर हमारी आंखों के अंदर जो आंसू होते हैं वह सूख जाते हैं। तो इस तरह आप नोट कर सकते हैं कि विटामिन ए हमारे देखने की क्षमता को कैसे बनाए रखता है। विटामिन ए हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भली भांति से काम करने के लिए सहायता करता है। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, विटामिन ए हमारी प्रजनन शक्ति को बना के रखता है, और अगर इसकी कमी आ जाए तो इनफर्टिलिटी यानी बच्चा पैदा ना करने की समस्या हो सकती है। तो इस प्रकार से हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सही करने के लिए विटामिन ए का होना बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर बनने वाले हार्मोन्स को बनाने में मदद करता है, इसलिए इसकी कमी बाध्यता यानी इनफर्टिलिटी को पैदा करती है। विटामिन ए हमारे स्किन की जो चमक है, एक ग्लो है, इसको भी बनाए रखता है, और स्किन के अंदर जो इलास्टिसिटी है इसको भी बना के रखता है, और किसी कारण से अगर विटामिन ए की कमी आ जाए तो स्किन के ऊपर ड्राइनेस आ जाती है, जिसके कारण स्किन खुरदरी हो जाती है, रफ हो जाती है। इसलिए स्किन की जो कोमलता है ये विटामिन ए बना के रखता है। विटामिन ए की कमी से चेहरे के ऊपर मुहासे यानी पिंपल्स हो जाते हैं, जिसको हम एक्ने बोलते हैं, और यह एक्ने आमतौर पर टीनेजर्स में होते हैं, इसलिए टीनेजर्स को विटामिन ए की सोर्सेज लेते रहना चाहिए ताकि मुहासे ना हो। विटामिन ए हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाले आलस्य को दूर कर स्फूर्ति प्रदान करता है, जिससे कि काम को भली भांति करने में आनंद आता है। विटामिन ए हमारे शरीर की ग्रोथ को भली भांति कंट्रोल करता है, इसलिए जिन बच्चों के अंदर विटामिन ए की कमी होती है उनकी हाइट छोटी रह जाती है, उनकी ग्रोथ कम होती है, और वैसे भी वह देखने में पतले और वीक से नज़र आते हैं। इसलिए बच्चों को विटामिन ए की सोर्सेज हमेशा लेते रहना चाहिए ताकि उनका विकास पूरा हो। अगर शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाए तो यह शरीर पर होने वाली चोट के बाद जो हीलिंग होती है उसको डिले करता है, अर्थात जख्म जल्दी नहीं भरता है। इसलिए
अर्ली वुंड हीलिंग के लिए विटामिन ए का होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि विटामिन ए हमें कौन कौन सी वस्तुओं से मिल सकता है। तो सबसे पहले विटामिन जो है वह एग, मीट और फिश, इन तीनों के अंदर विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए विटामिन ए जो है वह हरी, पीली और नारंगी, इन वस्तुओं में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि एप्पल, वाटरमेलन, मैंगो, कीवी, स्पिंच, ग्रेप्स, कैरेट, ब्रोकली। ये विटामिन ए की कुछ एक सोर्सेज हैं जिनमें भरपूर मात्रा में ये पाया जाता है। तो हमें अपने दिनचर्या में इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे अंदर विटामिन ए की कमी ना हो। तो दोस्तों, इस तरह से विटामिन ए की जो उपयोगिता है मैंने आपको बता दी है, इससे आप सहज अनुभव कर सकते हैं कि विटामिन ए का हमारे शरीर में होना कितना ज़रूरी है। आशा करता हूँ आप इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।